क्या कभी तुमने पूरे दुनिया को विदाउट इंडिया सोचा है? नहीं सोचा होगा। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ द वर्ल्ड विदाउट इंडिया। सुंदर दृश्य से लेकर रिच कल्चर और मुंह में पानी ला देने वाले लजीज खाने से आर्किटेक्चर तक, इंडिया के पास सब कुछ है। मतलब सब कुछ है। इंडिया ना 1/6 पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में क्रिएट करता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1/3 है, जिसमें से 17% इंडिया की तरफ से। द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक, इंडिया ही तो है। भारत एक ऐसा नाम है जो कि सभी कंट्री से बहुत डाइवर्स है और वो बहुत ही प्राचीन नेम है। भारत बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और यहाँ तक रिलीजियन के मामले में भी सभी से बहुत ज़्यादा अलग है। यार तुम्हें भारत को ना डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के लिए भारत को ही थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफाइंग को डिस्कवर किया था। तो मतलब अगर तुम्हें कैविटीज़ है तो थैंक्स बोलो। भारत अपने सभी स्वीट्स में कम से कम 20 kg पर कैप्टा यूज़ करता है शुगर को। अब भारत के मेंस को पता है कि एक औरत का दिल स्वीट से नहीं जीता जा सकता, इसलिए भारत माइनिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर तुम्हें भी किसी के लिए एक एंगेजमेंट रिंग बनवानी है एक सुंदर सी, तो प्लीज़ भारत में कॉन्टेक्ट करो यार। तुम्हें एक बहुत अच्छा मिनरल या फिर रॉक ढूंढ के दिया जाएगा, जिससे तुम एक बहुत सुंदर एंगेजमेंट रिंग बनवा सकते हो। तो यार भारत की बातें यहीं पर ख़त्म नहीं होती। भारत अपने त्यौहार के लिए भी काफ़ी फेमस है, जैसे कि होली, दिवाली, नवरात्रि, ओणम। यार ये सारे त्यौहार बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। होली तो एक कलर का त्यौहार है, जिसमें आप किसी को भी कोई भी कलर लगा दो यार, वो बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है। वी आर व्हाट वी थिंक, सेड बाय बुद्धा। यार भारत में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए थे, जैसे कि बुद्धा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, भारत में यार ना 4 तरह के लोग रहते हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर मैं नाम लूँ तो हिंदुज़म, उसके बाद अगर मैं नाम लूँ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म। यार ये 4 तरह के लोग भारत में रहते हैं। जो रिलीजन का आइडिया था वो भी भारत की तरफ से ही आया था। यार तुम अपने 2009 वाले कंप्यूटर को मिस करते हो, जिसमें एक पेंटिनम नाम की चिप लगती थी। यार वो चिप भी इंडिया के ही एक आदमी ने इन्वेंट की थी, और वो आदमी का नाम था विनोद धाम। यार मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम वाईफाई इस्तेमाल करते हो तो वाईफाई भी एक इंडियन आदमी ने ही डिस्कवर की थी, सर जगदीश चंद्र बोस। इनका नाम तो तुम बेशकली सुने होगे यार। इन्हें रेडियो टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा महारत थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ रेडियो साइंस भी बोला जाता था। यार अब जिनको वाईफाई मिल रहा है इन्हें थैंक्स बोलो यार। अरे मैं तुम्हें बता दूँ वॉर के बारे में। मतलब वॉर, अरे भाई वॉर, हाँ 10,000 साल में इंडिया ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया है, और ना ही किसी ने इंडिया के ऊपर। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ आर्म्स भी हमारी इंडिया को कहा जाता है। यार अब इंडिया ना सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के लिए फेमस नहीं है, इंडिया अपने घुमाओ देशों के लिए भी बहुत फेमस है। मतलब कि घूमने के लिए इंडिया में काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेस है, कासी हिल्स, मेघालय, बहुत सारे प्लेस हैं। यार तुम इंडिया में अगर घूमने आना चाहते हो तो यहाँ आओ। वेस्टर्न हैबिटेट प्लेस इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है मेघालय को। यार यहाँ पर तुम्हें ना तैरते हुए, मतलब बेसिकली तैरते हुए पोस्ट ऑफिस मिल जाएंगे पानी के अंदर। तो तुम सोचो, अगर तुम शैम्पू का इस्तेमाल करते हो यार, तो तुम्हें पता होगा, पता नहीं होगा, मतलब शैम्पू भी एक संस्कृत डाइवर्शन है, मतलब शैम्पू को शैम्पू बना दिया गया। तो क्या आप तुम बाथरूम में नहाने ना यार, तो इंडिया के लिए गाना गा देना। मैं तुम्हें इंडिया का एक मेन फैक्ट बता दूँ। एक बहुत ही ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक बहुत ही बढ़िया डिजिट दी, जिसे आज हम लोग कहते हैं 0। टाइम हो गया है चलने का, तो आप सबको मेरा गुड बाय। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। बाय बाय।